हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन सी आर्चिन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड 70% ऑफ बेसेस वर शोन टू बी साइटोसिन। द परसेंटेज ऑफ द अदर थ्री बेसेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर। तो बेटा बात करें हम लोग डीएनए के बारे में, तो हम लोग जानते हैं बेटा डीएनए के अंदर क्या होते हैं, फोर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर। बट हम लोग एक बात और जानते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा, वो किसको फॉलो करता है? फॉलो द चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ्स रूल को फॉलो करता है बेटा। चारगॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, चारगॉफ्स के अकॉर्डिंग बेटा क्या बताया कि जो एडेनिन है वो किसके इक्वल रहेगा? थाइमिन के इक्वल रहेगा, और जो बेटा ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल रहेगा। किसके अंदर? डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिकेशन के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जो साइटोसिन है वो कितना है, 17% है। तो बेटा जितना साइटोसिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा। बेटा ग्वानिन कितना हो गया, 17% हो गया। क्लियर। टोटल कितना हुआ ये, 34%। ठीक है, बचा कितना, 66। बेटा 66 का हाफ 33% कितना रहेगा, एडेनिन रहेगा, और थायमिन में कितना रहेगा, 33% ही रहेगा। तो ये बेटा तुम्हारे पास में जाएगा टोटल 66%, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 100%। यानी कि चारों के अकॉर्डिंग जी सी इक्वल रहेंगे, ए और टी इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।